चंडीगढ़ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जोरदार स्वागत, पार्टी अधिकारियों के साथ की मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। एयरपोर्ट से अमित शाह रोड शो करते हुए पार्टी दफ्तर पहुंचे। पार्टी दफ्तर में भी शाह का जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी दफ्तर में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा और पुस्तकालय का अनावरण किया। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण, एपीसमेंट, ये तीन नासूर जो देश की पॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से सता रहे थे, उसको मुक्ति दिलाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की राजनीति आगे बढ़ी। अमित शाह शाम को 5 बजे सेक्टर 37 स्थित लॉ ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को संबोधित करेंगे। गौरव वालिया, इंडिया टीवी। मथुरा में लूट और डबल मर्डर केस में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। वारदात के मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। 15 मई को सराफा कारोबारी के शोरूम में नकाबपोश बदमाशों ने 4 करोड़ की लूट की थी और 2 ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात से नाराज मथुरा के ज्वेलर्स ने दुकानें बंद कर दी थी। पुलिस की 60 लोगों की टीम ने मथुरा के जोगियापाड़ा के एक मकान में दबिश दी। बदमाशों ने फायरिंग की जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रंगा उर्फ राकेश समेत उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में रंगा, चीनी और नीरज सगे भाई हैं। रंगा और नीरज पर पहले से हत्या का केस चल रहा है। उन पर 5,000 का इनाम था। बदमाशों के पास से 20 लाख कैश, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बरामद हुई है। 3 दिनों की रणनीति के पश्चात लगातार उनको लोकेट किया जाता रहा। बदमाशों को, पूरे गैंग को, 6 के 6 सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो है उसका नाम रंगा है। पूरे ये कुख्यात बदमाश है इलाके के। फिलहाल ये जो आप 2 बदमाश यहाँ पर देख रहे हैं, एक का नाम आयुष है और एक का नाम छोटू है। आयुष, आपने एक बात बताइए, आप सीसीटीवी फुटेज में आप दिख रहे हैं, सबसे पहले आपने हवाई फायरिंग की और आपने दरवाजा तोड़ा, क्या कुछ हुआ था, कैसे आपने इस पूरी प्लानिंग की थी ये बताइए। प्लानिंग हमने नहीं की थी, प्लानिंग जिस किसी ने भी की थी, लेकिन हमसे ये बोला गया था आगे चल के दरवाजा डोर खोलो उसका। हमने आगे जाके डोर खोला उसका, उसके बाद में सभी भीड़ उतरने लगी, जिसमें कि मैंने हवाई फायर किया। हवाई फायर करने के बाद मैंने केवल हाथों से मारा, मैंने चाहता तो मैं दोबारा भी दे सकता था, मैंने किसी की भी हत्या नहीं की। रंगा से किस तरह से जान पहचाने आप? ये मेरा दोस्त है, ये उनका साला है। आयुष जो है, आप रंगा के रिश्तेदार हैं, किस आप पहले भी कुछ वारदातों में शामिल रहे हैं रंगा के साथ, इस बार किस तरीके से आप लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया? नहीं नहीं नहीं, हम पहले कभी नहीं रहे इनके साथ। शर्म आती है आप लोगों को जो किया है आपने? हाँ, बहुत ज्यादा। अलीगढ़ में धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदायों में हिंसक झड़प। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बवाल की ये तस्वीर अलीगढ़ के फूल चौराहा के सराफा बाजार की है। एक धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन तनाव को देखते हुए भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मेरठ में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोश में लोग बस और कार में की जमकर तोड़फोड़। पहले लाठी डंडों से हमला कर कार तोड़ दी गई, फिर बस में तोड़फोड़ की गई। उपद्रव पर काबू पाने गई पुलिस को भी धक्का दिया गया। घटनास्थल पर पहुंची मीडिया से भी बस सलूकी हुई। उपद्रव सड़क हादसे में 18 साल के लड़के की मौत के बाद शुरू हुआ। घटना से नाराज लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक मेरठ के देहली गेट इलाके में दहशत फैली रही। मामला शांत कराने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। संजय शाह, इंडिया टीवी।
यूपी के हरदोई में डीएम शुभ्रा सक्सेना ने थाने का औचक निरीक्षण किया। लापरवाही पर दरोगा को जमकर लगाई डांट। आप थाने में घूमते हैं या अपना चेंबर और अपने आवास के रहते? डेली तो नहीं घूम पाया, पर 10 दिन में मैं 2 बार आया हूँ सर। पूरा बैरिकेड दिन चेक किया था, पूरा मेरे सब साफ सफाई ठीक नहीं। आपके थाने में क्या किस कोने में मुझे आपको पता होना चाहिए? आप रहते ही नहीं पे। एक बार रोज चक्कर काटने में तो आपको लोगों की दिक्कतें पता चल जाएंगे। अब यहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, बंद करके गए हुए हैं आपके थाने का स्पेस। आपके होते हुए अगर ये हो रहा है तो ये चीज ठीक है? ठीक है, हटवा दो। 100% कल ही कल ही कल में पहुँचाना चाहिए। आप फोन करके बताओ। ठीक है।